नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मायरा फाउंडेशन की ओर से विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झांसी डिवीजन के कमिश्नर डॉक्टर आदर्श सिंह ने शिरकत की, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ही डॉक्टर आदर्श सिंह ने मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि फेलियर के बाद ही सक्सेस है। नहीं, मैं तो यही मैसेज दिया है कि आप लोग देश का भविष्य हैं और आप लोग यही कोशिश करिए कि आप लोग जब एक बार यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो आप इस इंस्टीट्यूट का, इस जनपद का और हमारे प्रदेश देश का नाम रोशन करेंगे, यही मैसेज दिया। सीतापुर में आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन की ओर से मंडल स्तरीय दिव्यांग शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष उचिन मेहलोत्रा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को सिलाई मशीन और कंबल दिए गए। राजधानी लखनऊ के मलियाबाद इलाके में बीती शाम घर के बाहर अलाव जलाकर बैठे लोगों को कार ने रौंद दिया, जिसमें करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने कार सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। बलरामपुर में छापेमारी करने आए आयकर विभाग की टीम को व्यापारियों ने घेर लिया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। आक्रोशित व्यापारियों का आरोप है कि आयकर की टीम उनका बेवजह उत्पीड़न कर रही है। इससे परेशान होकर उन्होंने पिछले 3 दिनों से अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। कौशाम्बी में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गाली गलौज के बाद तमंचे के बल पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हरदोई का सनीला इलाके के मांडा तिराहे पर लगी LED लाइट पिछले 1 महीने से खराब चल रही है। इसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों और दुकानदारों को शाम होते ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि तिराहे पर इतना अंधेरा होने के बाद भी कोई जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं है। हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक में बैठक का आयोजन किया गया, जहां CDO में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान दौलतपुर गांव के लोगों ने बारात घर पार्क में कूड़ा डालकर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना इलाके में बीते 3 दिसंबर को मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इन मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि स्मैक की लत के चलते हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक कर वो फरार हो गया था। सीतापुर के गोदला मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर व स्टाफ नर्स के बजाय स्वीपर को इंजेक्शन लगाते देखा गया। इसके बाद CSC अधीक्षक ने खबर चलाने को लेकर पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। कौशाम्बी के भरवारी स्टेशन पर तकनीकी खराबी के चलते करीब 40 मिनट वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी रही। इसके बाद परिचालक और गार्ड ने इंजन पर आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाश छात्रा का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। वही लूट की ये पूरी वारदात पास में लगे CCTV में कैद हो गई। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे गैंग को 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सदस्यों के पास से तमंचा कारतूस के साथ 56,000 नकदी बरामद की गई है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने मंच से कहा कि मंडप में बैठी सभी बेटियां मुख्यमंत्री जी की हैं। बेटियों को सताया तो ससुर जी का बुलडोजर चलने में देरी नहीं होगी। बागपत में पुलिस की सतर्कता से जिले में बड़ी वारदात को टाल दिया गया, जहां पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 2 लोगों की तलाशी ली। तभी तलाशी के दौरान दोनों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। ताजनगर आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट के बाद हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती में GST की छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने काली पट्टी बांध कर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिले में पिछले 4 दिनों से GST की टीम छापेमारी कर रही है, जिससे व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने बताया कि छापेमारी की आड़ में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैनपुरी के घिरोह थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े के शव पेड़ पर लटके मिले। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल का गांव की युवती से प्रेम संबंध था। लग्जरी कारों में घूमने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सारा मुंबई मेट्रो में सफर करती नजर आ रही हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद फैंस उनकी सादगी की काफी तारीफ कर रहे हैं। चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह तीसरे वनडे में टीम का हिस्सा बने ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी जमा दी है। उन्होंने 126 बॉल में ये कारनामा किया है। इसके बाद उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इन दिनों शराफा बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है, लिहाजा सोने और चांदी कीमतों में रोजाना कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 24 कैरेट 8 ग्राम सोने के दाम तकरीबन 1,008 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं चांदी कीमत में करीब 4,500 रुपए का अंतर आया है। फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे माई भारत न्यूज़।